नमस्कार दोस्तों, सभी जानते हैं कृष्ण के बारे में और कृष्ण की लीलाओं के बारे में, लेकिन कृष्ण लीलाओं के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान को 56 भोग प्रकट किए जाते हैं और 56 भोग ही लगाए जाते हैं। लेकिन 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाए क्यों जाते हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा माखन चोर थे और माता के लाडले भी थे। यशोदा माता उन्हें 8 पहर खाना खिलाती थी और 8 पहर खाना खाने की वजह से वह हमेशा खुश मिजाज रहते थे। नटखट होने के साथ साथ हमेशा दूसरों के घर से माखन चुराना, गायों को भगाना और ग्वालों के साथ खेलना, ये सब उनकी आदतें थी। अक्सर देखा जाता है कि कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत बारिश होने की वजह से, यानी कि इंद्रदेव के बारिश होने की वजह से, लोगों पर संकट आने की वजह से जब गोवर्धन पर्वत अपनी कन्नी उंगली पर उठाया था, तो सारे गांव वाले उसी पर्वत के नीचे आ गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया था। जो 8 पहर खाना खाता है एक दिन में, वह 7 दिन तक बिना अन्न और जल के रहा। इसी वजह से जब इंद्रदेव का गुस्सा शांत हुआ और गुस्सा शांत हो जाने के बाद लोगों ने उस पर्वत से नीचे निकलना शुरू किया और अपने अपने गांव गए, तो यशोदा माँ ने यह कहा कि मेरा बेटा 7 दिनों तक भूखा रहा था। तो गांव वालों ने कहा कि ये कोई बात नहीं है, 8 पहर अगर कृष्ण खाना खाता है तो हम 7-8 यानी कि 7 दिन तक भूखे रहने की वजह से और 8 पहर खाना खाने की वजह से उन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, जो बना 56, और 56 दिन का भोग उन्हें लगाया जाता है। इसीलिए लोग उनके लिए 56 भोग मनाकर उनके आगे रखते हैं ताकि कृष्ण भगवान को वह 7 दिन उनकी पूर्ति हो सके। कमल का फूल भगवान श्री कृष्ण के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रकट रूप माना जाता है, यानी कि भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। कमल के फूल में 3 परतें होती हैं। 3 परतों में पहली परत में 8 होती हैं पंखुड़ियाँ, फिर उसके बाद 16 और तीसरी वाले में 32 होती हैं। टोटल पंखुड़ियाँ यानी कि कुल मिलाकर पंखुड़ियाँ होती हैं 56। जब भी कोई व्यक्ति मनोकामना मांगता है और मनोकामना उसकी पूर्ति हो जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण को वह कमल के फूल के साथ साथ 56 भोग भी भेंट करता है, जिससे कि वह उनकी मान्यता भी पूरी हो जाए और भगवान श्री कृष्ण का भी उन पर अनुकंपा बनी रहे। तो ये है कारण भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग खिलाने का। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।